हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। ये आपका छठवां टेस्ट है FST 6 और मैं हूँ आपके मेंटर शाहिन खान। आइए यहाँ से करते हैं 151 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टमर। अच्छा बेटा, पहले ये जानो कि हिस्टोन होता क्या है। देखो, जैसे कि हमें पता है हमारा DNA जो है वो 6 फीट होता है, ठीक। इसकी लेंथ जो है, लंबाई है वो 6 फीट है, और DNA एक छोटे से न्यूक्लियस में बहुत इजीली आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है, उसका कंडेंसेशन हो रहा है। अब ये कंडेंसेशन होता किस पे? बेसिकली जो कंडेंसेशन होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन पे ही होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है हमें कंडेंसेशन ऑफ DNA में। जो क्या करता है, आपने देखा होगा तो हिस्टोन का एक ऑक्टमर बनता है। ऑक्टमर मतलब हिस्टोन का ऑक्टमर बनता है। क्या बनता है बेटा? हिस्टोन ऑक्टमर। हिस्टोन ऑक्टमर जो होता है यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ठीक, जो इसको कंडेंस करके रखने में काम करता है। आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली कैरेक्टर होता है यूकैरियोट का। तो हिस्टोन के ऊपर हमने देखा, अगर आपने NCERT में देखी होगी तो एक ऐसे हमारा फोटो बना के दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे फोटो है। यहाँ पर टाइप होता है H1 से। तो देखो, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिकली हमारा कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है बेटा? H2A H2B और ये तीसरा हो गया H3 and H4, ठीक। तो इसमें सब क्या हो जाएंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सब क्या होंगे? हिस्टोन प्रोटीन होंगे। हिस्टोन का काम क्या होता है? DNA को कंडेंस करके रखने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चरल पार्ट होता है DNA का, ठीक। यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए नहीं जाते हैं। तो हिस्टोन जो होता है, जो DNA होता है वो बहुत फैला होता है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसी हिस्टोन प्रोटीन को आगे जाके हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जिसमें आंसर हमारा होगा 4। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, हाँ, ये बहुत सुंदर सा सवाल है। इसमें हम 3 चीजें देख लेंगे। पहला तो ये नॉमिन जो भी नेम है ये देख लेंगे। इसमें अगर तुम देखो, ये भी सीडी की नेमिंग करनी है, पहले तो बताओ ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई और एक एल्वियोलाई को एल्वियोलस बोलते हैं। अच्छा बेटा, तुम देखो, मैं एक चीज बता रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी गैसेस एक्सचेंज होता है। मैं थोड़ा सा रिस्पिरेशन से रिलेट कर रही हूँ इसको। यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी गैसेस एक्सचेंज होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये यहाँ पे एटमोस्फेरिक एयर आती है ना एल्वियोलाई से, डायरेक्ट हमारे एटमोस्फेयर से डायरेक्ट हमारे एल्वियोलाई में एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन आती है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इस सेल के। तो यहाँ पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको बोलते क्या है? ये आपका पल्मोनरी वेन होता है। ये सिस्टमैटिक आर्टरी होती है। ये क्या होती है? सिस्टमैटिक आर्टरी होती है। ये बॉडी टिश्यू होता है। अब देखो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आया, ठीक है। अब हार्ट के आर्टिया में आया, आर्टिया से कहां गया? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर सिस्टमैटिक आर्टरी के थ्रू होता हुआ हमारे बॉडी टिश्यू में आता है। और बॉडी टिश्यू में यहाँ पे क्या करता है? ये अभी तक क्या है? अभी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी तक क्या है बेटा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या होगा? सेकेंडरी गैसेस एक्सचेंज होगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इस बॉडी टिश्यू में चला जाएगा और CO2 फिर इस ब्लड में चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सेकेंडरी गैसेस एक्सचेंज हो गया ना, सेकेंडरी गैसेस एक्सचेंज।
ये क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी गैसियस एक्सचेंज हो गया। और यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ये आगे वाला ब्लड क्या होगा, ये आगे वाला ब्लड जो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसमें ज्यादा हो गया ना। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो गया। तो अब बॉडी टू, और ये हो गया आपका यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आ रहा हमारे आर्टरी, आर्टरी थ्रू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर यहाँ से हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास चला जाएगा। किससे होते हुए चला जाएगा, लंग्स के पास, ये यू है ठीक, पल्मोनरी आर्टरी। तो अब देखो एल्वियोलस, ये सिस्टमैटिक आर्टरी, बॉडी टिश्यू एंड पल्मोनरी आर्टरी, बस यही पूछा है। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत साफ साफ डबल सर्कुलेशन भी दिख रहा है। एक को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, इसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन भी दिखा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दिखा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये रहा, ये सब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर वाला क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमको यहाँ से तीन चीजें क्लियर हो गई, बाकी इसमें सिर्फ नंबरिंग करनी थी। तो हमारा हो जाएगा ये एल्वियोलस, ये हो जाएगा सिस्टमेटिक आर्टरी, सी हो जाएगा बॉडी टिश्यू, ठीक है। एल्वियोलस, हाँ, तो आंसर जाएगा इसका 2, ठीक, इसका आंसर होगा अपना 2। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड बाय, देखो ग्रोथ कैसे मान, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट ऑब्वियसली नापते हैं, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट और ड्राई वेट भी होता है। वनली लगाया है बेटा, वनली, तो वनली तो नहीं होगा। अच्छा, ये होता है बट ये वनली की वजह से ये भी नहीं होगा। फ्रेश वेट तो होता ही है, ड्राई वेट भी होता है, लेकिन वनली की वजह से नहीं होगा। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथेन एरिया, वनली नहीं होगा। अच्छा, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ एरिया, वॉल्यूम एंड सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, सेल नंबर ऑल्सो, सॉरी। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 153 का 4th आंसर। इसके बाद से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट क्या है। डोर्सी वेंट्रल लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो डोर्सल से ज्यादा होता है, ये बात तो बहुत सही है। क्यों, इसलिए हम उसको डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। अगर हम मोनोकॉट मतलब आइसोबायलेटरल कहते हैं, मतलब दोनों तरफ बराबर अगर हो रहा है स्टोमेटा, उसको क्या कह रहे हैं, आइसोबायलेटरल है, तो वो मोनोकॉट का है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब ये लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है, मतलब लोअर का मतलब नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है, ओके। ट्रांसपायरेशन फुली अफेक्टिव है, ऑब्वियसली होता है ट्रांसपायरेशन। अच्छा, कोबाल्ट क्लोराइड ये नहीं होगा, रेस्पिरेशन को मेजर नहीं करता है, तो हमारा आंसर आएगा यही, ठीक है। और नॉर्मली स्टोमेटा जो होता है वो दिन में ओपन होता है और रात में क्लोज होता है, ठीक। तो हमारा आंसर होगा 154 का 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो इसमें सही पूछा है, सिकोरिया टॉरेस ट्री होता है बट जिम्नोस्पर्म का होता है, एंजियोस्पर्म का नहीं होता है। किसका होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म का होता है ना, तो ये इस हिसाब से गलत हो गया। माइकोराइजा एसोसिएशन होता है, कॉमन सिलीजियम नहीं होता, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। कोराइल रूट सिट्रस में नहीं पाया जाता बेटा, किस में पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है ना, ये भी जिम्नोस्पर्म होगा, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा 154 का 4। अभी नेक्स्ट देखते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट टेंड टू अपीयर ऑफ फर्स्ट यंग लीव्स, इट इंडिकेट दैट द एलिमेंट ऑफ रिलेटिवली इमोबाइल, जो एक जगह से वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिशियंसी, इसका आंसर बेटा कैल्सियम होगा। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, आप जाके देखिए टॉक्सिसिटी जहाँ पे दिया हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन में इसका आंसर कैल्सियम। अच्छा, एक्जियल स्केलेटन में क्या होगा, देखो बेटे स्केलेटल को जब बांटा गया तो दो पार्ट में बांटा गया था, ठीक। स्केलेटल सिस्टम को जब बांटा गया है तो दो पार्ट में बांटा गया, पहला था एक्सियल और दूसरा था अपेंडिकुलर। देखो अब अपेंडिकुलर में फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब आ गया, अपेंडिकुलर में क्या आ गया, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब आ गया, ओके, जिसमें 30-30 बोन होती हैं।
एचसीएल में जितने भी हैं फोर लिंब और हैंड लिंब को छोड़ के सर्वाइकल क्रैनियल हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया रिब्स हो गया तो जितने भी हैं जैसे सर्वाइकल वर्टिब्री आ गया लंबर आ गया स्टर्नम आ गया फ्लोटिंग रिब्स आ गया स्टिफनाइट बोन आ गया ये सब किस में है सब एक्सियल स्केलेटन में है। मतलब एक्सियल स्केलेटन में कौन सा आता है क्रैनियल आता है फेसियल बोन आता है रिब्स आता है तो हमारा इसका आंसर जाएगा 4 ABCD सभी आ गए ना। नेक्स्ट सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज स्टेराइटल हार्मोन। देखो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिक्रेट करता है प्रोटीन ये तो आपको पता ही है और स्मूथ जो होता है वो लिपिड और स्टेराइडल हार्मोन सिक्रेट करता है तो इसका आंसर जाएगा हमारा 1। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अदर चीज में हेल्प करता है यहाँ पे उसकी जरूरत है नहीं। अच्छा पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट नहीं अपराइट तो नहीं होगा ये इनवर्टेड होता है ना तो ये गलत है। सेप्लोमैटर प्लेस आर गिवन प्लेस इन इकोलॉजिकल देखो कभी भी नहीं इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो हुआ हमें सेप्लोफाइट ब्रायोफाइटा इन सबको कोई जगह नहीं दी गई थी तो इसमें हमारा दोनों गलत है ये भी गलत है और ये भी गलत है तो इसका गलत वाला आंसर कौन सा है बोथ आर इनकरेक्ट नंबर 159 का 1। इस बार से नेक्स्ट सवाल देखते हैं देखिए रिस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म वो पाथवे जिसमें दोनों आ जाते हैं एनाबोलिज्म भी आ जाता है कैटाबोलिज्म भी आ जाता है मतलब जो फॉर्मेशन का भी काम करता है और जो ब्रेकडाउन का भी काम करता है उसको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे एमनास्टिक। हाँ तो इसका आंसर जाएगा 2। अभी नेक्स्ट सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इसमें इनकरेक्ट कौन सा है देखो सिलिएटरी एपिथेलियम फाउंड नॉट फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब देखो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है तो ये भी गलत हो गया। स्कॉर्स एपिथेलियम मेड ऑफ सिंगल लेयर एंड इररेगुलर बाउंड्रीज होगा ये गलत ये इररेगुलर। पीसीटी ट्यूब्यूल्स स्कॉर्स एपिथेलियम फाउंड नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे सभी इनकरेक्ट दिया हुआ बहुत ध्यान से देखना ये बहुत ट्रिकी सवाल है और ऐसे कई बार एग्जाम में भी आ सकता है और आपकी गलती हो सकती है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्टोमेटा ऑफ द प्लांट ओपन ड्यू टू देखो बेटा स्टोमेटा बेसिकली होता क्या है हम डाइकॉट की बात करें तो ये बीन सेप होता है ये बीन थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ हो गया ना बीन सेप का होता है लाइक ऐसे होता है ठीक। अब इसमें होते क्या है जो अंदर वाला लेयर है इसमें इनफ्लक्स होता है स्पेशली ये इस पे वर्क कौन सा करता है इस पे वर्क करता है आपका पोटेशियम K+ ion वर्क करता है ना और जब इसका इनफ्लक्स होता है तभी ये ओपन होता है मतलब क्या होता है ये सब्सिडियरी सेल को बाहर धकेलता है और ये ओपन हो जाता है फूल तो हमारा हो जाएगा इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। बाकी हाइड्रोजन तो काम ही नहीं करता है कैल्शियम आयन भी नहीं काम करता लेकिन इफ्लक्स नहीं होगा इफ्लक्स का मतलब जब पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा ओपन नहीं होगा ठीक तो हमारा आंसर जाएगा इसका 1st। नेक्स्ट सवाल बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी ये गलत है कभी बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं थे कि कितने प्रोकैरियोट अभी पाए जा रहे हैं। अच्छा इंडिया इज वन ऑफ द ये इंडिया है ठीक आई है ये इसके स्टेटमेंट में आ गया इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ये सही है ये गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 is incorrect and 2 is correct तो इसका आंसर होगा हमारा 163 का 3rd ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं फोटोसिंथेट आर एक्सपोर्टेड किससे किससे होता है सभी पार्ट से होता है स्टोरेज ऑर्गन बिल्कुल नहीं मेरिस्मेटिक टिश्यू बिल्कुल नहीं ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन से होता है तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्ले अ मेजर रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम में कौन सा देखो थायराइड क्या होता है थायराइड ग्लैंड तो होगा नहीं ठीक क्यों थायरोक्सिन रिलीज करता है इसका तो इम्यून से कोई खास लेना देना नहीं पैराथायराइड भी नहीं होगा थाइमस ग्लैंड जो होता है वो डायरेक्टली थाइमस ग्लैंड जो होता है वो डायरेक्टली हेल्प करता है जब बेबी छोटा होता है तो उसका थाइमस बड़ा होता है
जब हम लोग बड़ा होने लगते हैं, जैसे एज हमारी बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ थाइमस की जो साइज होती है वो डिक्रीज करने लगती है, क्योंकि जब वीक एज या ओल्ड एज में जाते हैं तो थाइमस की साइज रिड्यूस हो जाती है, और यही कारण होता है कि इम्यूनिटी लो हो जाती है, यही कारण होता है कि इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है। तो इसका आंसर होगा 165 का थर्ड। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ये मैचिंग का सवाल है और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब ये बहुत पास पास हो गया है। अच्छा चलो, लेकिन एक बहुत कमाल की बात इसमें ये है कि सब आमने सामने दिया है, तो हमें आपके पेपर में ये प्रॉपर डिस्टेंस के साथ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एंटीजन होता है, ये इसका होता है, ये इसके लिए होता है, और ये इसके लिए होता है ना। तो ये ए का वन, ए का ए, बी का टू, सी का थ्री। हाँ, तो इसका फर्स्ट होगा, 166 का होगा हमारा फर्स्ट, ठीक। ये आमने सामने होगा, ये आपको पेपर में प्रॉपर डिस्टेंस के साथ मिलेगा। कार्डियक मसल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेगा कार्डियक मसल। देखो डॉक्टर, कम्युनिकेशन जंक्शन होता ऑब्वियसली होता है ये, अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो आप ऊपर एक फोटो बना के भी दिया है, और इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये मान लो कार्डियक मसल्स है, ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, और एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और पास करते हैं। नेबर से ये गलत है, कम्युनिकेशन जंक्शन का नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट होती है भैया, प्रेजेंट होती है, बहुत साफ सब लिखा हुआ है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। दिस इज अ हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल की अगर कोई डिटर्मिनेशन लाइन है तो यही है कि इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, कंट्रैक्टाइल डिस्क अब्सेंट जबकि होता है। तो हमारा आंसर होगा नंबर 167 का वन। इसके बाद से क्या, वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसी डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, ये सही है। इमेज लेवल से एग्जिट नॉट ऑन द स्पीसीज लेवल बट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन अ सेल एंड बायोम्स। तो ये हमारा दोनों पॉइंट सही है, 168 का फोर। अभी हमारा नेक्स्ट रेफरेंस ऑफ आरएनए। देखो डॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ आरएनए। अब इसमें आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो इसमें होता क्या है, आरएनए जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है डीएनए से, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इसके सेकेंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप होता है। अब चूंकि ओएच ग्रुप होता है और रिएक्टिव नहीं है, मतलब क्या है, ये स्टेबल नहीं है ना। अब स्टेबल नहीं है तो कई बार आरएनए जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। आरएनए कुछ में जेनेटिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, कुछ में है, जैसे टीएमबी में हो गया, बैक्टीरियोफेज में हो गया, तो लेस स्टेबल, ये भी सही है। म्यूटेट, हाँ, जब स्टेबल नहीं है, रिएक्टिविटी कम है, तो ऑब्वियसली म्यूटेट बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी इसका म्यूटेशन हो जाता है। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फंडा ये होना चाहिए कि लेस रिएक्टिव हो, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं कर रहा हो। सेकंड थिंग होना चाहिए कि म्यूटेट होता हो बट बहुत जल्दी नहीं होता हो, रिएक्टिव बहुत कम हो। तो हमारा ये सही है, ये सही है, तो हमारा आंसर जाएगा ए बी एंड सी, स्लोअर देन नहीं, ये तो गलत ही है, जबकि ये होना चाहिए। तो हमारा आंसर जाएगा 2, 169 का। इसके बाद से नेक्स्ट, नेम ऑफ स्लाइडेन एंड प्रूफ। देखो बेटा, स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, ठीक। स्लाइडेन क्या थे बेटा, ये बॉटनिस्ट थे ना, इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल पे काम किया, और इन्होंने एक क्राइटेरिया
एक रिजल्ट निकाला इन्होंने, इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं जो कि टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, और इन्होंने एक और कैरेक्टर निकाला कि जो प्लांट है ना, प्लांट का सेल है ना, उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक, स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल पे वर्क किया और इन्होंने पाया कि एनिमल सेल के ऊपर भी एक थिन आउटर लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों एक साथ मिलके थ्योरी दी है जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। अच्छा, ड्रॉबैक इनका ये था कि दोनों ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बना। सेल थ्योरी तो इन्होंने ही दिया लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल कैसे बना। इसके लिए रुडोल्फ वर्काउ आया जिन्होंने बोला था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हैज अ फिजिकल बेसिस, ये नहीं था थ्योरी ऑफ सेल लाइन न्यूक्लियस फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द सेल। नहीं, इन्होंने क्या दिया था बेटा, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। तो 170 का आपका ओवर 2। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एग्जैक्टली, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब लाइट ईयर को हमने बिग बैंग थ्योरी से ही जाना था, इवोल्यूशन के दूसरे पढ़ने पे लिखा हुआ। ओपेरिन ऑफ इंग्लैंड, ये देखो ये गलत है, मैं मेरे टाइम में मैंने इसको एक निमोनिक से याद किया था, ही रो। हेल्डन जो थे वो थे इंग्लैंड के, और ओपेरिन कहाँ के थे, रसिया के। लास्ट सवाल का हम लोगों ने आंसर टिक करो, एग्जैक्टली करा। ठीक, तो हमारा ये सही है और ये गलत है, मतलब नंबर वन सही है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 171 का 2। एक बार आप ये निमोनिक्स जरूर लिख लो, या पेपर पे लिख लो, या जहां मन हो वहां लिख लो। इसके बाद से 172 पे जाते हैं। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिजाइन टू बी अ एग्जांपल ऑफ। देखो बेटे, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या कह रहा है, ऑटोसोम के अलावा सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए ना, बियॉन्ड ऑटोसोम हमारा क्या होना चाहिए, सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, XX होना चाहिए या फिर XY होना चाहिए। जहां तक अगर हम ह्यूमन की बात करें, इसमें पूछा है कौन हेट्रोगैमी है, XY एंड XY। तो देखो बेटा, ये जो है ये मेल का क्रोमोसोम है और ये फीमेल का है, और आपको पता है ऑटोसोम जो होता है वो सेम ही होता है, बस जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा मेल हेट्रोगैमी का, फीमेल हेट्रोगैमी का क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोसोम सेम ही होगा। ठीक, तो हमारा आंसर जाएगा 172 का 1। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट सवाल, गुआनिन इज अ कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थियामिन प्रेजेंट इन द वनलाइन डीएनए। देखो बेटा, गुआनिन और ये होता क्या है, जब हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं, हम नाइट्रोजिनस बेस की बात कर रहे हैं, तो हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं प्यूरीन, दूसरा पढ़ते हैं पिरामिडिन, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, पिरामिडिन। ठीक, अब प्यूरीन में क्या होता है, प्यूरीन में आपका एडिनिन एंड गुआनिन होता है, एडिनिन और गुआनिन होता है। अब पिरामिडिन में क्या होता है, साइटोसिन, थियामिन एंड यूरेसिल। ठीक, गुआनिन कॉमन होता है डीएनए आरएनए में, एग्जैक्टली, और थियामिन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है। अगर आरएनए होगा तो थियामिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। अगर आरएनए होगा तो थियामिन की जगह पे क्या पाया जाएगा बेटा, यूरेसिल। तो
तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट वन ये नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 173 का 4. अभी हम अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? अच्छा, साइट्रिक एसिड. इसमें ये बताना है कि कौन सा फंगस है, कौन सा क्या है. देखो, एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड ना. अब वो होता क्या है? एस्परजिलस नाइगर ये साइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि है एक फंगस. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से पढ़ना. अच्छा, इस्ट क्या होता है? सैक्रोमाइसिस होता है, जो क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है. और इथेनॉल को ही इनडायरेक्टली इथेनॉल को इनडायरेक्टली हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल. साइक्लोस्पोरिन ए मतलब पॉलीडर्माटाइकम, ये भी फंगस होता है. स्ट्रेप्टोकाइनस बैक्टीरिया होती है. तो हम मेरे अकॉर्डिंग से ये चारों सही है. इसका आंसर होगा 1. इसमें ये चारों सही है, तो 174 का 1. अच्छा, सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट हैविंग प्लाज्मोडियम बॉडी विच डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज ड्यूरिंग. देखो बेटा, पहले तो ये जान लो सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट क्या होते हैं. जितना भी प्रोटिस्ट है ना, वो दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए. अब अगर डेड पे है, अगर लिविंग पे है, तो क्या होता है? LEVE. हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरी रफ है. देखो, अगर लिविंग पे है तो इसको बोलते हैं पैरासाइट ना, पैरासाइट. और अगर डेड पे है तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक. याद रहेगा. अब सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट जो होता है वो प्लाज्मोडियम बॉडी बनाता है. किस कंडीशन में बनाता है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनाता है. तो इसका आंसर आएगा 2, 175 का 2. अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं. पीछे अ प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूसिंग स्पोर एंड लैकिंग एसिड. ब्रायोफाइट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल था ही नहीं. वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या? वैस्कुलर टिश्यू का मतलब इनडायरेक्टली जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा है ना. अच्छा, तो वैस्कुलर टिश्यू तो जाइलम एंड फ्लोएम में बन गया था, ब्रायो में नहीं था. बट ये सीड नहीं बनाया था ना, सीड नहीं बना था, ये स्पोर बनाया था. समटाइम्स को स्पोरोफाइट भी बोलते हैं. तो 176 का 2. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज. बेटा ये बताओ, इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन ना, जो एक जगह से दूसरे लोग में फैल जाए, मतलब छूने से फैल जाए या अन्य माध्यम से फैल जाए, मतलब बहुत इजीली कम्युनिकेबल डिजीज हो ना. अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस कभी होगा क्या? नहीं, ये डिफिशियंट होता है. डायबिटीज कभी नहीं होगा. इन्फ्लुएंजा क्या होता है? ये होता है फ्लू. और ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, तो पहला हो गया. एड्स भी होता है, दूसरा हो गया. कैंसर होगा क्या? नहीं होगा. और इसमें क्या है हमारा? अस्थमा नहीं होगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा. अस्थमा क्या होता है? अस्थमा जो होता है हमारे ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से होता है. तो हमारा आंसर जाएगा इसका 3. ठीक, 1, 2 and 3. समझ में आया? एड्स तो हाईली होगा. नो, हमारे एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ जहाँ पे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दिया, उसमें हाईली रिकमेंडेड कैंसर की बात भी करी है. तो 177 का हो गया आंसर 2. अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं. देखो बेटा, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. विच वन द फॉलोइंग इज मैचिंग. ये मैचिंग वाला सवाल है. इसमें दिया क्लीवेज इम्प्लांटेशन ब्लास्टोमियर प्रीवेट लाइन स्पेस जाइगोट डॉटर सेल यूट्रस एंड ओवम. देखो बेटा, मैंने जैसे स्टार्ट कर दी थी, प्रीवेट लाइन स्पेस क्या होता है? प्रीवेट लाइन स्पेस होता है, और फर्टिलाइज ओवम की बात कर रहा है ना, कि एक ओवम है वो फर्टिलाइज है. फर्टिलाइज ओम के बीच के, आई मीन फर्टिलाइज ओम के जो ना पेलुसिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को प्री विटलाइन स्पेस कहते हैं. ठीक,
अच्छा जिन लोगों को ये नहीं पता हो कि इम्प्लांटेशन ब्लास्टोमियर क्या होता है, तो ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट की जस्ट अगली स्टेज को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या हमारा ब्लास्टोसिस्ट मतलब डॉटर सेल या फिर सेकेंडरी ओसाइट भी बोल सकते हैं। तो इसका हो गया हमारा 4 और ब्लास्टोमियर हो गया हमारा डॉटर सेल। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जायगोट बन जाता है तो जहां पे वो इम्प्लांट होता है, जहां पे वो इंटरडिजिटेट हो जाता है, उस प्रोसीजर को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन बेसिकली होता है कहां पे है, ये हमारा इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्रस के इस वाले पोर्शन में होता है ना, यहाँ पे होता है यूट्रस में। तो इम्प्लांटेशन हमारा हो गया यूट्रस ब्लास्टोमियर। और क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या है? देखो जब डॉटर सेल बन जाती है मतलब फर्टिलाइज होम बन जाता है, तो उसके बाद से जो प्रोसीजर आगे बढ़ता है उसको हम क्लीवेज कहते हैं। मतलब मॉरुला ब्लास्टुला जो भी आगे प्रोसीजर होता है इसको हम क्लीवेज कहते हैं। तो ये हो गया 178 का 1। इसके बाद से क्या है डाउन स्ट्रीम। बेटे देखो ये आपका यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दे रही हूँ, आपको ये पेपर में सही मिलेगा। ये यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आपको पेपर में ये काफी सही मिलेगा। ये नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम है। बायोटेक्नोलॉजी 2 ही चैप्टर है लेकिन हर साल सवाल बन रहे हैं और मल्टीपल सवाल बन रहे हैं, तो प्लीज फोकस करें। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा माइक्रोराइजा, देखो इसमें आपको ये तो पता चल गया कि माइक्रोराइजा जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक और ऑब्लिगेशन में क्या होता है, सिम्बायोटिक मतलब दोनों का म्यूचुअल कंसर्न, एक दूसरे की हेल्प वाली। अब देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा और फंजाई में अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा लाइकेन बोलते हैं ना, इसको लाइकेन बोलते हैं। अच्छा फंजाई और एनिमल में इसको स्लॉथ बियर बोलते हैं, कई बार इसको म्यूटलिज्म में भी काउंट कर लेते हैं, इसको स्लॉथ बियर बोलते हैं। लो इसको मैं सुंदर सा लिख देती हूँ, इसको बेटा बोलते हैं स्लॉथ बियर। ठीक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट जिसका होता है उसको बोलते हैं माइक्रोराइजा। तो इसका आंसर जाएगा 180 का 4। ठीक, नेक्स्ट सवाल, बाउंड्रीज ऑफ द फॉलोइंग किंगडम नॉट वेल डिफाइंड। ऐसी कौन से किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्राइमरी एक्वाटिक होती है और ये पहली किंगडम थी जिसमें यूकैरियोट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया गया था, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी इसको बोलते हैं। ठीक, खास करके मेरा मानना ये है कि अगर आप एसएसटी सॉल्व कर रहे हो, फुल सिलेबस सॉल्व कर रहे हो और स्पेशली बायो सॉल्व कर रहे हो,
तो अगर चार ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम आज के लिए तो तैयारी कर नहीं रहे, हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कैसा आ रहा है। तो जो भी इसमें जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जान सकते हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग आपको इस ऑप्शन और इस क्वेश्चन के थ्रू इस बारे में बता सके। तो ये यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोट होगा, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी इज द करेक्ट मैच। अच्छा, इसमें देखो, हर्षे और चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। हर्षे और चेज एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया को लिया और वायरस से इन्फेक्टेड करा दिया। ठीक, उसको क्या बोला अपन लोगों ने, बैक्टीरियोफेज। अब इन्होंने इसके बाद से उसका एक मीडियम लिया, उन्होंने क्या लिया, सल्फर लिया और फॉस्फोरस लिया, इसको 32 लिया और इसको 35 लिया। ठीक है, अच्छा, हर्षे नॉन रेडियो एक्टिव तो हुआ नहीं, इन्होंने रेडियो एक्टिव नहीं लिया था, इन्होंने आइसोटोप्स लिए थे नाइट्रोजन के, आपको याद हो तो अमोनियम क्लोराइड, मतलब इन्होंने एक N14 को N15 में ग्रो कराया था, मतलब इन्होंने क्या लिया था, आइसोटोप्स का यूज किया था। ठीक, इन्होंने रेडियो एक्टिव का यूज नहीं किया था, और यहाँ पे लिखा हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट में वायरस का यूज किया गया था, तो ये सही है, ये सही है, इन्होंने रेडियो एक्टिव करा नहीं था, ये नॉन रेडियो एक्टिव करे नहीं थे। ठीक, तो हमारा आंसर इसका जाएगा सिर्फ दो है, तो इसका आंसर जाएगा 182 का 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डीएनए इज अ बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, फर्स्ट आइडेंटिफाई द फ्रेडरिक एंड मिक्सर। देखो बेटा, डीएनए कभी से बेसिक था ही नहीं, डीएनए जो था एसिडिक सब्सटेंस था, यानी कि ये हमारा गलत हो गया, एसिडिक सब्सटेंस था, न्यूक्लियस में पाया गया और पहली बार फ्रेडरिक और मिक्सर ने ही देखा था, ये बात तथाकथित सत्य है लेकिन ये गलत है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूल एंड एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन अ सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में बताया था कि सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप होने के कारण आरएनए जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, मींस रिएक्टिव होता है ना। तो ये हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो इसका आंसर जाएगा 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, 183 का थर्ड। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या थे, ये क्या कर रहा है, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, एग्जैक्टली नॉन फोटोसिंथेटिक है और नॉस्टॉक और एनाबिना में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में क्या होता है बेटा, ये देखो, दे फ्लोट पैसिवली विद द वॉटर करंट। बेटा ये इसको क्या और बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको प्लैंकटोन भी बोलते हैं ना, जो वॉटर फ्लो के पैसिवली जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटोन। इसको प्लैंकटोन भी बोलते हैं, ओके। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक होता है, बिल्कुल होता है। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड डेसमेट, दोनों पाई जाती हैं, दो ही एग्जांपल्स इसमें दिए होंगे हमारे एनसीईआरटी में, डायटम्स एंड डेसमेट। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लॉन्गिट्यूडिनल एंड अदर ट्रांसवर्सली। पर ये किसकी बात कर रहा है, ये क्राइसोफाइट की बात ही नहीं कर रहा है, ये डायनोफ्लैजेलेट की बात कर रहा है, ये डायनोफ्लैजेलेट की बात कर रहा है। अच्छा, दो फ्लैजेला अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में दो ऐसे क्लास है जिसमें कहा है कि दो फ्लैजेला है, एक तो ये हो गया डायनोफ्लैजेलेट। यूग्लिना में भी बोला है कि दो फ्लैजेला है, एक लॉन्गर वन है, एक शॉर्टर वन है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, ये डायनोफ्लैजेलेट की बात करें, पैसिवली फ्लोट करता है वाटर करंट के थ्रू, जिसको प्लैंकटॉन कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है, ऑब्वियसली होता है, दो एग्जांपल होते हैं, डायटम्स एंड डेसमेट बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, जिंक एंड कैल्शियम रिक्वायर टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो बेटा, जिंक और कैल्शियम कभी यूज नहीं होते, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में मैंगनीज का यूज होता है बेसिकली, तो ये हमारा गलत हो गया है। बोरॉन आर रिक्वायर्ड टू पोलन जर्मिनेशन एंड सेल ऑर्गन सेल इलोंगेशन, ये सही है, पहले गलत है, तो 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 186 का 3,
186 के बाद से 187 जाएगा ना। हाँ, माइटोटिक सेल डिवीजन अकरिंग, देखो बेटा माइटोटिक सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है, तो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, एंड बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल इफ प्लांट में पाया जाएगा। टीएमबी बैक्टीरियोफेज इन पोरेंस में कोई भी मियोसिस नहीं होती है, तो हमारा आंसर होगा 187 का वन। ओके, अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ राइबोसोम। देखो बेटा राइबोसोम जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। राइबोसोम जो होता है वो किसका कंपोजिशन होता है, अगर आप उसमें जाएंगे यूनिट ऑफ लाइफ सेल में जाएंगे तो एक छोटी सी हेडिंग दी हुई है, 7-8 लाइन ही बताया राइबोसोम में। तो राइबोसोम जो है वो किसका कंपोजिशन है, आरएनए प्लस प्रोटीन का कंपोजिशन है। अच्छा, इसमें एक मेम्ब्रेन पाया जाता है सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, उसके बाद से क्या होता है, ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दो राइबोसोम होते हैं, तो जो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट राइबोसोम मीन एक होता है 80S राइबोसोम और एक होता है 70S राइबोसोम, तो दे आर जनरली कंपोज। बेटा देखो डीएनए एंड प्रोटीन ये तो गलत हो गया, क्योंकि आरएनए यूकैरियोटिक राइबोसोम सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन बट प्रोकैरियोट, नहीं नहीं ये गलत है, राइबोसोम ही जो होता है, जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन सराउंडेड इन यूकैरियोटिक 70S 30S प्रोकैरियोटिक, ये भी नहीं होगा, वो 70S टू सब यूनिट ये होगा। देखो बेटा ये जो होगा ना, यहाँ पे डीएनए नहीं, यहाँ पे आरएनए होगा, ठीक, ये आपके ये भी आपके पेपर में आरएनए बन के आएगा, आई मीन ये भी आपके पेपर में यहाँ पे आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक आंसर सही करना सही नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो ये है आरएनए एंड प्रोटीन, तो ये अब अपना सही हो गया, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा जाएगा, टू। ठीक, कितने राइबोसोम, दो राइबोसोम होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक 80S एक 70S। ठीक, तो 188 का हमारा हो गया, 188 का हमारा हो गया वन। अब ये नेक्स्ट सवाल 189, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म कॉल्ड सिलोम। इफ द मेसोडर्म प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सच बॉडी इज कॉल्ड सीडोसिलोम, और ये किसका एग्जांपल है। देखो बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था कि ये होता क्या है, फिर एक बार और आपको बता रही हूँ, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, और ये जो बॉडी वॉल होती है इसके बीच में एक कैविटी होती है, ठीक, लाइक ये कैविटी है। अब इसमें क्या है, अगर ये लाइंड है मेसोडर्म से, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो क्या है बेटा, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो कोई सिलोम ही नहीं है, तो ये है एसिलोमेट, या बॉडी कैविटी है और मेसोडर्म है और कंटिन्यूअसली लाइन है, मैं पहले कंटिन्यूअसली लाइन से बता दे रही, ये कंटिन्यूअस लाइन है, तो ये क्या है बेटा, ये है आपका कंटिन्यूअस लाइन मेसोडर्म का है, तो ये है आपका सिलोमेट, क्या बेटा आपका सीलोमेट। और सीलोमेट क्या होता है, एनाइडा अर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, अच्छा, अब यही बॉडी कैविटी जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं है, पाउचेस के फॉर्म में है, ठीक है, ये पाउचेस के फॉर्म में बॉडी कैविटी कंटिन्यूअसली नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीडोसिलोम। और सीडोसिलोम का इकलौता एग्जांपल होता है एस्कलहेलमिन थी। ठीक, अच्छा,
और जिसमें हई नहीं, जिसमें ये सिलोम ही नहीं है, मतलब ये मीजोडर्म ही नहीं है, मीजोडर्म ही नहीं है, मीजोडर्म की जगह पे क्या है, मीजोगीलिया है, मीजोगीलिया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए सिलोमेंट, जो कि आपका पूरी फेरा से लेके कहां तक आ गया बेटा, प्लेटी हजमेंथिस तक ना। मैं तो कहूंगी एक बार आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा एस्कल हेलमेंथी, और सॉरी आंसर हो जाएगा हमारा इसका एस्कल हेलमेंथी, सिडोसिलोम एस्कल हेलमेंथी इसका एग्जांपल होता है। ये आपका 189, उसके बाद से 190, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज अ यूनिक फीचर ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। बेटा देखो आर्थोस का मतलब क्या होता है एंड पोडा का, जहां पे आपने आर्थ्रोपोडा होगा ना, आर्थ्रोपोडा उसी का मतलब होता है ज्वाइंट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, जिनके ज्वाइंट अपेंडिक्स हो उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं, तो दे हैव ज्वाइंट अपेंडिक्स, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये कॉर्डेटे की बात करेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो ब्लड विदाउट किसी सीरीज वेसल्स वेन आर्टरी में नहीं बह रहा, उसको ओपन कहते हैं, मतलब जितने भी वाइटल ऑर्गन है वो फ्लोट कर रहे हैं ब्लड में, उन सबको क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ब्लड डायरेक्टली हार्ट से निकल के सीरीज वेसल्स आर्टरी वेन के थ्रू हमारे अलग अलग वाइटल ऑर्गन में सप्लाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा ये ओपन तो होगा नहीं, ज्वाइंट अपेंडिक्स होगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्ट बेबी का कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया गया उसको डायरेक्ट कहते हैं ना, बेसिकली डायरेक्ट का मतलब होता है अगर लार्वल स्टेज नहीं है, लार्वल स्टेज अब्सेंट है, तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। और लार्वल स्टेज पाया जा रहा है, मतलब लार्वा पाया जा रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। तो इसका आंसर जाएगा आपका 190 का थर्ड। इसके बाद से क्या है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, ठीक है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट यूटिलाइज आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। देखो ओरिजिनल फॉर्म में जैसे हम खाते हैं वैसे तो यूज नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल वर्क बेसिकली होता है, इसको क्या करते हैं, सिंपल और एब्जॉर्बल फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा ये दोनों सही है, एसएसए भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 191 का 4। हाँ एक चीज मैं पहले ही बता दूं, अगर फ्लेम है और फ्लेम में लोडिंग हो रही है या अनलोडिंग हो रही है, अगर मौका मिला तो बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि कब लोडिंग होता है, इसमें भी सेम वही कंसल्टेशन वाला ही फंडा लगता है। बट अगर फ्लोएम में लोडिंग हो रहा है या फिर अनलोडिंग हो रहा है, तो दोनों एक्टिव प्रोसेस होते हैं, दोनों में एनर्जी चाहिए होती है। ये डी लोडिंग आई है, ये दोनों क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है ना, ये याद रखिएगा। तो लोडिंग प्रोसेस इन फ्लेम एक्टिव प्रोसेस, ये सही है। अनलोडिंग प्रोसेस इन फ्लेम, ये भी एक्टिव प्रोसेस है, सही है। अच्छा फ्लेम सेप में जाता कौन कौन सा है, फ्लेम सेप में मिनरल भी जाता है, वाटर जाता है और फूड भी जाता है, तो सुक्रोज एंड वाटर, ये भी सही है। अच्छा अनलोडिंग ये तो गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने एक यहाँ पर ट्रिक दिया आप लोगों को, और वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर हाईली पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो होता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर क्या होता है बेटा, जीरो। तो हमारा सही कितना हो गया, 3 सही हो गया, 2 गलत हो गए, 5 दिए हुए, तो इसका आंसर जाएगा 192 का आंसर जाएगा 2। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।
इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द थ्री लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी अच्छा ऑन द प्लेनेट लाइफ एग्जिस्ट अ फ्यू फेवरेबल नॉट एक्सट्रीम देखो ये दोनों गलत है. इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन सब में होता है. इकोटोन भी होता है पॉपुलेशन भी होता है कम्युनिटी भी होती है और सिंगल इंडिविजुअल भी होता है तो ये हमारा गलत हो गया. ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ ओनली एग्जिस्ट फेवरेबल में भी नहीं होता बहुत हार्श कंडीशन में भी लाइफ पाई जाती है सल्फर में भी लाइफ पाई जाती है स्नो वॉल में भी लाइफ पाई जा रही है तो ये दोनों हमारा क्या हो गया गलत हो गया. तो आंसर हो जाएगा इसका 193 का आंसर हो जाएगा हमारा 1 ना दोनों इनकरेक्ट है इसीलिए दोनों इनकरेक्ट दिया हुआ. ओके फाइलोपोरिफेरा कॉल्ड स्पॉन्ज हैविंग नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बट अच्छा बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बताओ जो उसको बाकी सबसे अलग कर रहा है. ठीक तो पोरिफेरा डिप्लोब्लास्टिक तो होता ही नहीं है. अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है जब हम जर्मिनल लेयर से हमारी बॉडी बन रही होती है तो बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म मतलब दो जर्म लेयर से मिलकर बनती है तो डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. अगर तीन लेयर आ जाती दो जर्म लेयर मतलब पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं दो जर्म लेयर ना और अगर यहीं पे एक और एडिशनल आ जाती तो ये हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. और पोरिफेरा जो होता है वो तो ब्लास्टिक होता ही नहीं है ये सेलुलर है बेसिकली वो सेल का ही बना हुआ है यूनिसेलुलर कह सकते मोस्टली मैरिन एंड सम फ्रेश वाटर. देखो बेटा एक चीज याद रखो ये एक निमोनिक्स है जिसको बेसिकली ये मैं अपने टाइम में याद करती थी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं ऐसे याद करती थी GAMP. देखो ये क्या है जनरल मैराइन ये होता है पोरिफेरा इसका एग्जांपल है पोरिफेरा. ठीक ऑलमोस्ट मैराइन ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है मैं अलग से नहीं बता रही ये एनसीईआरटी की लाइन है बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि ये ऐसे होगा. ठीक है बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ इसका एग्जांपल है सीलेंट्रेटा. ठीक और एक्सक्लूसिवली मैराइन ये है एक्सक्लूसिवली मैराइन तो इसका एग्जाम्पल होता है सीलेंट्रेटा हो गया निडेरियर टीनोफोरा सॉरी निडेरिया तो सिलेंट्रेटा को ही बोलते हैं टीनोफोरा ना तो फ्रेश वाटर एंड मैराइन होगा. अच्छा इसका सबसे एडवांस कैरेक्टर जो होता है वो कोनोसाइट होता है जो स्पॉन्जो सिल से बना होता है मतलब क्या होता है इसको वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं एक तरफ से खाना आता है वाटर के साथ और एक्सक्रीट करके ओसियोसाइट से बाहर निकल भी जाता है तो कोनोसाइट जो होगा वो इसका स्पेशल कैरेक्टर होगा. नेक्स्ट सवाल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पोरिफेरा जनरली मैराइन अभी आ गया. अच्छा पोरिफेरा एसिमेट्रिकल भी होता है बिल्कुल होता है कोनोसाइट कॉलर सेल स्पॉन्जो सेल्स बनते हैं और कैनाल भी होता है ये भी पढ़ा है तो मतलब अभी जस्ट तुरंत ही हमने पढ़ा ये चीज तो ये हमारा आंसर जाएगा इसका 195 का 4. जाइलम एंड फ्लोएम आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू बिल्कुल होते हैं जाइलम फ्लोएम मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दिस वर्क टुगेदर अ यूनिट ये भी सही है तो दोनों ए एंड करेक्ट ऐसे तो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4. ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये इसके बाद से क्या है इसके बाद से 197 एयर पोल्यूशन ये आई है ठीक ये है इन एयर पोल्यूशन हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली ऑल द बसेस इन दिल्ली कन्वर्टेड रन टू सीएनजी एंड ऑफ. देखो बेटा ये तो सही है ये भी सही है अंटिल कि यहाँ पे 2002 दिया होता
2012 दिया है, इस वजह से ये गलत है। तो हमारे वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट। 197 का टू हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग। इसमें नाइट्रोजन रिडक्शन नाइट्रोजिनेस को कहते हैं, ठीक है, फ्रेंकिया अल्नस को कहते हैं। अच्छा, जो रॉड सिप था वो क्या था? रॉड सिप जो था वो सेम वैसे था, डिवाइड करता था इनर कॉर्टिकल लेयर में, पेरिसाइकल तक जाता था, ट्यूमर बनाता था और धीरे धीरे प्लांट के रूट हेयर के थ्रू ही अंदर जाता था। और नाइट्रोबैक्टर जो होगा वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वन का टू, ए का टू सब में है एंड बी का वन दो में है। ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सवाल लगाने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे सी आ गया तो सी का फोर दिया हुआ तो यहाँ पे है डी का फोर, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे सब में दिया हुआ, सपोज दैट कोई ऐसा ऑप्शन होता जो सिर्फ एक ही में दिया होता, लाइक इसी में दिया हुआ, तो आंसर ये हो जाता, ठीक। तो ये कम टाइम में सवाल लगाने का तरीका है बस। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? टू चैम्बर ऑफ हार्ट फिश में पाई जाती है, एग्जैक्टली। थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट, टू आर्किल वन वेंट्रिकल पाया जाता है। थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट, दो वेंट्रिकल नहीं होगा। देखो थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट में होता क्या है कि ये हार्ट है थ्री चैम्बर, तो इसमें दो आर्टरिया और एक ही वेंट्रिकल होते हैं। थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट ऑल रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, नहीं ऑल रेप्टाइल्स में नहीं होता, क्रोकोडाइल को छोड़ के ना। क्रोकोडाइल में कितना होता है? फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 199 का टू। अभी अपने नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय एनीमिया। देखो बेटा हाइपरटेंशन क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 120/80 से ज्यादा बढ़ जाए उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन एनीमिया नहीं कभी काज करता है। एनीमिया क्या होता है? लो आरबीसी, लो ब्लड काउंट। कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ, क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम ना। अच्छा, बॉडी कैविटी सिंगल वॉल सही है। मैन हैव हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब ह्यूमन हैव अ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जाएगा, ये गलत है, तो थ्री जाएगा इसका आंसर। और 200 का थ्री, ए बी सी एंड डी, ठीक। तो ऐसे हमारा 200 सवाल कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।